बहुत ही अच्छा सवाल किया था एक बच्चा ने, हम कमेंट सेक्शन में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने सवाल किया था कि सर हमें सेफ्टी प्रोफेशनल में एज ए सेफ्टी ऑफिसर कौन कौन सा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, मतलब कि कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज क्या क्या होना चाहिए, हमें काम करने के लिए क्या होता है बताइए। तो देखिए आपको मैं डिटेल बताना चाहूँगा कि देखिए अगर आप एज ए फ्रेशर काम करने आते हैं तो सबसे पहले आपको दिया जाता है साइड मॉनिटर करने के लिए कि आप साइड पे मॉनिटर करिए। उसके बाद आपको आप समझेंगे कि क्या क्या हमें करना होता है, क्या क्या रेडी करना होता है, डॉक्यूमेंट्स हमें क्या चाहिए, उसके बाद किस तरह से साइट को विजिट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस ग्रो करता है, एक्सपीरियंस आप गेन करते हैं, जैसे जैसे चीज़ों को सीखते हैं, ओके, तो आपको एट द एंड में समझ में आता है कि हमें सिर्फ साइड मॉनिटर करने का ही काम नहीं है, हमें आगे देखते हैं कि इसका डॉक्यूमेंट्स भी होता है, सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होता है आपको इसका भी नॉलेज होना चाहिए। और उसको इनपुट करने के लिए, मतलब कि उसको इनपुट करने के लिए हमें कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए इस पे हम बात चर्चा करते हैं। देखिए अगर बात करें, आप साइट पे जा रहे हैं, मान लीजिए कि आप टूल्स इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो टूल्स इंस्पेक्शन आपने फिजिकली कर दिया तो उसका डाटा भी तो आपको रखना होगा, तो डाटा रखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक कंप्यूटर चाहिए, तो कंप्यूटर आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए आपको बता दूँ कौन कौन सा कंप्यूटर का नॉलेज, कौन सा एप्लीकेशन आपको बेसिक आना चाहिए, अगर कुछ नहीं आता है तो भी आना चाहिए, वो नेसेसरी, अगर नहीं आता है तो आपको किसी हालत में सीखना पड़ेगा अगर आप एक सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं तो सबसे पहले। और क्यों चाहिए ये भी बता देता हूँ आपको। बात करें सबसे पहले आपको मोस्टली आना चाहिए एक्सेल शीट पे काम करने आना चाहिए। एक्सेल शीट पे आपको काम करने नहीं आता है तो समझिए आपका सेफ्टी कैरियर ग्रो नहीं कर पाएगा, आप सेफ्टी प्रोफेशन में अपना सही से कैरियर को ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए अगर कोई भी डाटा एंट्री करने के लिए, सपोज दैट मान लो कि परमिट है, परमिट का टोटल रिकॉर्ड आपको रखना है, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, अगर परमिट का रिकॉर्ड रखना है, आपने क्या करा, परमिट का फिजिकली रख लिया, लेकिन उसको क्या करना, अपने क्लाइंट को दिखाने के लिए, या क्लाइंट जो भी ऑडिट होता है उसमें, ऑडिट में भी ऑडिटर चेक कर सकता है कि आपका परमिट का डिटेल्स दिखाइए एक्सेल शीट में जो आपने बनाया है। तो आपका आपको एक्सेल शीट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ओके। अगर आप मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं किसी पावर टूल्स का, तो उसका आप रिकॉर्ड रखने के लिए आपको एक्सेल शीट बनाने आना चाहिए, एक्सेल शीट पर काम कर आना चाहिए, ओके। फिर अगर बात करते हैं तो अब चलते हैं, देखिए दूसरा दूसरा हमारा होता है कि आपको वर्ड में काम कर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कोई भी किसी को लेटर लिखना है या मेल भेजना है, तो आप में आपने क्लाइंट को मेल भेजना है, या किसी आप क्लाइंट में हैं तो आपके कॉन्ट्रैक्टर्स को मेल भेजना है, किसी भी तरह का कोई भी इंक्वायरी करना है या उसको बताना है, तो आप किस में करेंगे, सबसे ज़्यादा जो काम करेंगे आप वर्ड में करेंगे। वर्ड में आप उसको काम करके उसको आप मेल भेज सकते हैं, आपको मेलिंग करने भी आना चाहिए, ओके। तो ये इसलिए ज़रूरी है, आपको रिज्यूम बनाना होगा या कोई भी बेसिक काम करना होगा आप वर्ड में कर सकते हैं, तो आपको जब तक से नॉलेज नहीं रहेगा तो आप एक सेफ्टी, अच्छे सेफ्टी ऑफिसर के रूप में नहीं जाने जाएंगे। सिर्फ आपको फिजिकली साइड मॉनिटर करने के लिए दे दिया जाएगा, वो भी अच्छे से आपको सही निगाहों से नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए आपको ये आना चाहिए। फिर नंबर थर्ड का बात करें तो जैसे आप साइट पे विजिट करते हैं, ऑब्जर्वेशन देखते हैं, मतलब कि आपने आफ्टर पहले किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन देखा, आपने आफ्टर फिर बिफोर दोनों का फोटो क्लिक करा, ओके। तो आपको पीपीटी होता है, ना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी होता है, उसका रिकॉर्ड भी आपको एक क्लाइंट को भेजना होता है या ऑडिटर को भेजना होता है कि हमने अपने साइट पे ये इम्प्रूवमेंट करवाया, वो दिखाना होता है। वो तो किस तरह से दिखा सकते हैं, आप तो साइड पे हैं और ऑल्टर दूसरे जगह, किस तरह से दिखा सकते हैं, आफ्टर बिफोर का फोटो भेज के आप दिखा सकते हैं। वो किस में बनेगा, पावर पॉइंट, मतलब पीपीटी बनाना किस में है, आपको पावर पॉइंट में बनाना होता है। तो ये तीन जो है आपको बेसिक आना चाहिए, और बाकी एडवांस में है आप तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अब आपको नहीं आता है तो ये सीख लें बेसिक जानकारी। आप कौन कौन सा, पहले मैंने बताया सबसे एक्सेल शीट मोस्ट है, और वर्ड, और तीसरा आपको पावर पॉइंट, ये तीनों आना चाहिए, और मेल करने वगैरह आपको ये सारा चीज़ें का नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप एक अच्छे सेफ्टी ऑफिसर बन सके, सेफ्टी मैनेजर बन सके, है ना। तो ये उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को एक छोटी सी जानकारी मैं दिया, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्द अच्छे अच्छे वीडियो के साथ आप लोगों के साथ आने वाला हूँ, है ना, सारा चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे